जल प्रलय से तबाही, बाढ़ से अब तक 357 की मौत, 3 लाख से ज्यादा बेघर। पीएम मोदी ने राहत का जायजा लिया, केंद्र से 500 करोड़ की तुरंत मदद। केरल के 14 में से 13 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। जलासुर के बीच फंसे लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी, तीनों सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम दिन रात जुटी। केरल में राहत और बचाव के कार्य में युद्ध स्तर पर लगी है तीनों सेनाएं। हेलीकॉप्टर की मदद से सैलाब के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू। केरल की बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षा बलों और सेना के जवान पहुंचा रखे हैं राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए। जवान ऊपर से लंच पैकेट और राशन की बोरियां नीचे फेंक रखे हैं। केरल के अलुजप्पा में कंडूल में 10 दिन का एक बच्चा बाढ़ में फंस गया, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने बचाया। बच्चे को सुरक्षित निकालने के बाद जवानों ने उसकी मां को भी बचाया। केरल के पथानमथिट्टा में बाढ़ के पानी के बीच रस्सियों के सहारे कोस्ट गार्ड जवान ने तैयार किया रास्ता, जिससे अगर कोई सैलाब में बहकर आए तो उसे बचाया जा सके। केरल में वायुसेना हेलीकॉप्टर से एक परिवार को एयरलिफ्ट कर बाढ़ग्रस्त इलाके से निकाला गया। इस ऑपरेशन में 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। केरल के एर्नाकुलम के अलुवा शहर में एक घर में बाढ़ का पानी घुस जाने के बाद एक बच्चे ने छत पर चढ़कर बचाई जान। बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। केरल में बाढ़ के कहर के चलते देखते ही देखते एक मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। घर में मौजूद सारा सामान इस बारिश में बर्बाद हो गया। गनीमत रही इस दौरान घर में कोई भी मौजूद नहीं था। केरल के पलक्कड़ में मंगलम डैम से सटे गांव के लोग बाढ़ में फंस गए। आरएएफ के जवानों ने लकड़ी के अस्थायी पुल पर मानव श्रृंखला बनाकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। केरल की बाढ़ में अब तक 16,000 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से बर्बाद, 134 पुल पानी में बहे, राज्य को कुल 21,000 करोड़ का नुकसान। केरल के कोच्चि में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया, सभी राहत कैंपों में शिफ्ट। केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। 15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। यूपी डीजीपी की अपील, एक दिन की सैलरी दान करें पुलिसकर्मी। केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए त्रिवेंद्र सरकार देगी 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने एक एक महीने का वेतन देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश सरकार ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने 10 करोड़ की दी मदद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा 7.5 करोड़ का चावल। आम लोगों से भी की मदद की अपील। तो केरल में बाढ़ से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने 240 रेस्क्यू टीमों को रवाना किया, 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट भी भेजे गए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में केजरीवाल के मंत्री, विधायक और सांसदों की केरल बाढ़ पीड़ितों को मदद, सभी 1 महीने का देंगे वेतन। महाराष्ट्र सरकार ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 20 करोड़ की मदद का ऐलान किया, 11 टन खाने के पैकेट भी भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी भी 1 दिन की सैलरी देंगे राहत कोष में दान, 1.5 लाख है अधिकारियों की संख्या। तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया डिजास्टर रिस्पांस फोर्स व्हीकल, शहर में बाढ़ से निपटने के लिए गिरे पेड़ को हटाने के सारे इंतजाम। पीएम मोदी ने केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, केरल में बाढ़ से पूरा इलाका जलमग्न। पीएम मोदी ने बाढ़ से बेहाल केरल को 500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, इससे पहले केरल को 100 करोड़ की मदद भी दी गई थी। केरल में बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख मिलेंगे, घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के बाद कई जगहों पर मलबा जमा हुआ, मसूरी देहरादून हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ी देर रहा बंद। 20 अगस्त के बाद उत्तराखंड में कई जगह पर भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी और बारिश होने वाली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश में कई पुल बहे, कई गांव का संपर्क कटा, आसपास के गांव के लोग नदी पार करने के लिए जान हथेली पर रखकर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास एक गांव में बादल फटा, एक घर बहा, बगीचों को भारी नुकसान, 6 परिवारों को झेलना पड़ा नुकसान, जान माल का कोई नुकसान नहीं। शिया मौलाना शेख अब्बास की मुसीबतों से अपील, राशि शोक होने की वजह से सादगी से मनाए बकरी। हरिद्वार में होगा अटल जी की अस्थियों का विसर्जन, वाजपेयी जी का दिल्ली के स्मृति स्थल पर अस्थियां एकत्रित करने के लिए पहुंचे। अटल जी के परिवार के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी त्रिवेंद्र भी पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार के हर की पौड़ी में निकलेगी अस्थि कलश यात्रा। मॉरिशस में पूर्व प्रधानमंत्री को दी गई श्रद्धांजलि, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मॉरिशस के पीएम भी मौजूद रहे। तो
प्रधानमंत्री मॉरिशस सरकार का बड़ा फैसला, सबसे बड़े साइबर टावर का नाम बदलकर अटल बिहारी टावर किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री को किया गया याद, उनके साहित्य पर 2 घंटे का एक विशेष सत्र भी रखा जाएगा। दिल्ली के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि, सैकड़ों लोग हुए शामिल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार चालक ने स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा को मारी टक्कर, टक्कर से छात्रा कई फीट दूर जाकर गिरकर बेहोश हुई। सड़क लड़की की हालत खतरे से बाहर, आरोपी कार चालक अब तक गिरफ्तार नहीं। लखनऊ में अखिलेश के बन रहे होटल पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई। कोर्ट ने पूछा सिक्योरिटी जोन में कैसे मिली इजाजत। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को तय की गई है और याचिकाकर्ता शिशिर चतुर्वेदी के लिए कोर्ट ने सुरक्षा देने का भी आदेश दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को धमकी देने वाला गिरफ्तार, तेजाब डालने और गोली मारने की दी थी धमकी। मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी मुस्लिम महिलाओं की मदद करती है, ट्रिपल तलाक हलाला जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी अभियान चला। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना पड़ सकता है महंगा, यूपी पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कर सकती है मामला दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में एक मकान की छत गिरी, छत के नीचे गिरकर एक ही परिवार के 9 लोग घायल, सभी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के खान मार्केट में मौजूद लोकनायक भवन में आग लग गई, 10 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नरेंद्र दाभोलकर हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, नाला सुपारा में किए गए 3 लोगों की गिरफ्तारी में से एक ने हत्या की बात कबूली। राजस्थान के एलडीसी भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा आज, 2 चरणों में होगा एग्जाम, 1070 सेंटर्स बनाए गए। बिहार लोक सेवा आयोग ने 56वीं में से 59वीं परीक्षा का परिणाम किया जारी, 736 अभ्यर्थी हुए सफल, 100 और प्रशासनिक तो 121 को पुलिस सेवा में मिली जगह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप का जिक्र, बगड़ा गांव में स्थिति तनावपूर्ण, इंटरनेट सेवा बंद, भारी पुलिस फोर्स तैनात। 15 अगस्त को भयानक नाथ मंदिर के 2 पुजारियों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव था। दिल्ली के एम्स में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, पत्नी के इलाज के लिए बना डॉक्टर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा। यूपी के राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, एसटीएफ ने सरगना समेत 7 को गिरफ्तार किया। गैंग कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई पदों पर नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से लूट चुके थे लाखों रुपए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 3 दिन से लापता बच्ची का शव मिला, शॉक पीएम रिपोर्ट में खुलासा, मर्डर से पहले मासूम से की गई रेप की कोशिश, आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कैमरे में कैद हुआ पुलिस का मानवीय चेहरा, शव को स्ट्रेचर से उतारने के लिए मारी लात, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कांस्टेबल को लाइन अटैच किया, सुल्तानगढ़ फॉल में बहने वाले का था ये शव।